मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा नगर में भरथरी किसान मजदूर संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मंगलवार को भीतरवार एसडीएम को ग्वालियर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह ने मीडिया को ज्ञापन में बताया कि ग्राम भरथरी के निकट स्टील फैक्ट्री जिसमें सरिया का निर्माण होता है वह फैक्ट्री अपने सभी मापदंडों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है। आपको बता दें कि स्टील फैक्ट्री उपजाऊ जमीन के पास स्थित है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से आसपास के कई गांवों में प्रदूषण फैल रहा है। इससे कई ग्रामीण जनों को हृदय रोग की समस्या बनी है और साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है जिससे क्षेत्र का अन्नदाता परेशान है। निजात पाने के लिए भरथरी किसान मजदूर संघ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है और प्रशासन से ज्ञापन देकर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग के साथ ही संगठन के द्वारा प्रशासन को एक माह के भीतर कार्यवाही करने की बात कही गई है। वहीं कार्यवाही न होने पर संगठन के द्वारा फैक्ट्री के बाहर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन में हमारा यही समस्या है कि भारतीय भरथरी किसान मजदूर संघ ने ये जो है ज्ञापन दिया है कि फैक्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उसके दूषित पानी से जो खारी पानी हेडपम्प हो रहे हैं कुआ खारी हो गए हैं और फसल नष्ट हो रही है, जानवरों को भी जो है कहना उनको नुकसानदायक है, इसलिए उस फैक्ट्री को बंद किया जाए और इसके कौन से नियम कानून पालन किए हैं, ये फैक्ट्री का लाइसेंस कैसे मिला सबसे पहली बात तो ये है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक जो है एक स्टे उसने अपने आपस में मिला के लगा रखा है उसमें। अगर कि आपकी मांग नहीं मांगी तो भारतीय किसान यूनियन क्या करेगा? भारतीय किसान भरथरी के पास लगी जो स्टील फैक्ट्री है जो सरिया बनाती है उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि उसका जहरीला धुआं बाहर निकल रहा है, पानी भी उसका दूषित पानी भी वहाँ गाँव वालों को बीमार कर रहा है। इस संबंध में जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस पर हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके कार्रवाई। डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।